हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक बार फिर से लेकर आए हैं एक अमेजिंग वीडियो, तो वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो को एंजॉय करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं जौनपुर जिले की एक खूबसूरत मस्जिद जो कि सागंज रोड इमरानगंज में बनी हुई है, जिसे सबराहत भी कहा जाता है। इस खूबसूरत मस्जिद को जामिया फारूकिया के नाम से जानते हैं, जो कि इंतहाई खूबसूरत बनी है और यह मस्जिद फेमस सर सैयद कॉलेज के जस्ट बाजू में ही है। तो हम आ चुके हैं मस्जिद के अंदर और अंदर से मस्जिद कुछ इस तरह से दिखती है, जहां पर आप देख सकते हैं चारों तरफ मेहराबदार बरामदे बने हुए हैं और बीच में एक बड़ा सा सहन बना हुआ है और मस्जिद के फर्श पर पूरा मार्बल पत्थर लगाया गया है, जिससे फर्श में शाइनिंग होती है और उसकी वजह से मस्जिद और भी अच्छी लग रही है। अगर डिज़ाइन की बात करें तो पूरी मस्जिद में बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है। बरामदे के मेहराब को गोल गोल खंभों पर बनाया गया है, जिस पर प्लास्टर के जरिए बारीक डिज़ाइन बनी हुई जो अक्सर मस्जिदों में आपको देखने को मिल जाएगी। बरामदों के बाहर की साइड में भी मेहराब बनाया गया है, जिसमें लोहे की ग्रिल लगाई गई है, जिससे पूरी मस्जिद खुली खुली नजर आती है और चारों तरफ से हवा आती रहती है, जिससे गर्मियों में थोड़ा राहत मिलती होगी। यहाँ पर पूरा बरामदा खुला हुआ है, जहाँ से आपको खेत वगैरह दिख रहे होंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दे रहा है। ये जो जगह है जहाँ पर नमाज होती है, ये मस्जिद के बाकी हिस्सों से ऊंचाई पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं और मस्जिद का बाकी हिस्सा है, जो सहन है, बरामदा है, वो इससे नीचे बने हुए हैं, जिससे इस मस्जिद को और भी यूनिक लुक देती है। ये वाला जो हिस्सा है, ये मस्जिद की मेन बिल्डिंग है, जहां पर 5 वक्त की नमाज होती है और जुमे की नमाज भी होती ही होगी, क्योंकि ये मस्जिद मेन रोड पर है और बड़ी भी है, तो जुमे की नमाज तो होती ही होगी। और इस मस्जिद के बगल में मदरसा भी है, जहां बच्चों को तालीम दी जाती है और इसी मदरसे की यह मस्जिद है। वीडियो में देख सकते हैं ये मस्जिद का फुल नज़ारा है, जो कि इंतहाई खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी है। अगर आप आजू बाजू है तो यहां पर आके देख सकते हैं। और ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, वो इस मस्जिद का मदरसा है और ये बैक साइड है, जहाँ आगे आपको खेत वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी देता है। अगर मस्जिद में बने मीनार की बात करें तो मस्जिद पर 2 बड़े और लगभग 10 छोटे छोटे मीनार बने हुए हैं और साथ में 5 छोटे बड़े गुंबद भी बने हुए हैं, जो कि मस्जिद को और भी खूबसूरत और प्यारा बनाती है। और ये है सामने मस्जिद का एंट्री गेट, जिसे मेन दरवाज़ा भी बोल सकते हैं, जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रहा है, जिस पर फूल पत्ती की बारीक डिज़ाइन भी की गई है। और ये है मस्जिद का फुल नज़ारा, जो कि अब हम आपको लेके चल रहे हैं मस्जिद की मेन जगह। ये है मस्जिद का मेन हॉल, जहाँ पर 5 वक्त की नमाज होती है, जहाँ पर इमाम साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं, वो मेन हॉल ये है, जो कि ये भी बहुत ही खूबसूरत बना है, जहाँ पर ग्रीन कालीन बिछी हुई है। और अब लेकर चलते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर भी दिखाते हैं आप लोगों की ऊपर का क्या नज़ारा है, ऊपर से मस्जिद कैसे दिखती है। ये सामने बड़ा सा मीनार है, तो चलते हैं ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ दिखाते हैं। मस्जिद को देखने के बाद ये समझ में आता है कि मस्जिद अभी कंप्लीट नहीं है, अभी काम कुछ बाकी हुई है, अभी कलर भी बाकी है। मस्जिद के गुंबद और जो मीनारे बने हैं उस पर भी काम अभी बचा है, तो इससे ये देख के समझ में आता है कि उस पर टाइल्स वगैरह शायद लगे, इसलिए अभी वो काम रुका हुआ है। तो ये थी पूरी मस्जिद का नज़ारा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह मस्जिद बहुत ही खूबसूरत लगी होगी, पसंद भी आई होगी। तो अगर पसंद आई ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।